हाँ जिम्नोस्पर्म क्या बोल रहे थे, ये परिनियल प्लांट है। ठीक है, परिनियल प्लांट कहने का मतलब ऐसा प्लांट जो सालों साल तक जीवित रहता है ना, जो अपना लाइफ साइकिल बहुत साल में कंप्लीट करेगा या फिर बार बार रिप्रोडक्शन प्रोसेस को फॉलो करेगा, है ना। जैसे कि हम गेहूं का बात करते हैं या फिर धान का बात करते हैं, तो ये अपना लाइफ साइकिल लाइफ स्पान एक ही सीजन में खत्म कर देता है। दे आर कॉल्ड एनुअल प्लांट। परिनियल प्लांट मतलब बहुत दिनों तक जीवित रहना। मैंगो इज एन एग्जाम्पल ऑफ परिनियल प्लांट। ठीक, मैंगो हो गया। पोटैटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनुअल प्लांट। ओनियन बाइनियल प्लांट हो जाएगा, है ना। तो जिम्नोस्पर्म एक परिनियल प्लांट है। सबसे कम नंबर ऑफ प्लांट इसी ग्रुप के अंदर आते हैं। एंजियोस्पर्म्स के पास मैक्सिमम प्लांट एग्जिस्ट करते हैं ना, लाई करते हैं उसमें बहुत सारे प्लांट, लेकिन जिम्नोस्पर्म में बहुत कम प्लांट लाई करते हैं, बहुत कम प्लांट आते हैं जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, है ना। जिम्नोस्पर्म ये शॉब्स भी है इसके अंदर ना, ट्री भी है, वुडी ट्री भी है, क्लाइंबर्स है। ओके, हर्ब्स नहीं आता है इसके अंदर। ज्यादातर ये ग्रो करता है कोल्ड ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल टेम्परेट रीजन में, है ना। चलिए ये सब डिटेल हम लोग लिख देते हैं। ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग किंगडम किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी पढ़ रहे हैं हम लोग। इन किंगडम प्लांटी वी आर स्टडिंग सब किंगडम। जिम्नोस्पर्म का सब किंगडम क्या हो जाएगा जी? फैनेरोगैमी हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे के आई एन जी फैनेरोगेम्स। यहाँ से हम लोग फैनेरोगेम्स से स्टार्ट कर रहे हैं। फैनेरोगेम्स कहने का मतलब होगा सीडेड प्लांट। स्पर्मेटोफाइट भी कहा जाता है इसको, ऑल्सो नोन एज स्पर्मेटोफाइट ना, सब किंगडम। उसके बाद डिवीजन क्या हो जाएगा इसका, है ना। डिवीजन हो जाएगा जिम्नोस्पर्मिक। के अंदर क्लासेस हम लोग करेंगे, बहुत सारे क्लासेस, चार क्लासेस बताए थे, जिसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे पाइनस और साइकस के बारे में, है ना। ओके, द टर्म जिम्नोस्पर्म वाज गिवन बाय जिम्नोस्पर्म गिवन बाय थियोफरास्टस। थियोफरास्टस ने दिया था, ठीक है, और उन्होंने एक किताब भी लिखा था, इंक्वायरिंग इनटू प्लांट। किताब का नाम था इंक्वायरिंग इनटू प्लांट। इंक्वायरिंग इनटू प्लांट ये किताब का नाम है, जिसमें उन्होंने जिक्र करा है जिम्नोस्पर्म्स का। जिम्नोस्पर्म इसका मतलब क्या होता है बता रहे हैं। ठीक है, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड विदाउट। ठीक है, स्पर्म कहने का मतलब होता है सीड। सो कहने का मतलब होगा जिम्नोस्पर्म इज अ प्लांट हैविंग नेकेड सीड हुज सीड्स आर नॉट प्रोटेक्टेड इनसाइड द फ्रूट वॉल, है ना। तो जिम्नोस्पर्म एक ग्रुप हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म इज द ग्रुप ऑफ प्लांट हुज सीड आर नॉट इनक्लोज्ड, नॉट इनक्लोज्ड इन फ्रूट वॉल। ठीक है, फ्रूट में फ्रूट वॉल के अंदर प्रेजेंट नहीं रहता, मीन्स फ्रूट वॉल एब्सेंट होगा इसके पास, है ना। सीड नेकेड रहेगा, डायरेक्टली हम उस सीड का सीड कोट देख पाएंगे, ठीक है, आउटर लेयर देख पाएंगे, फल नहीं देख पाएंगे हम। ठीक, सो जिम्नोस्पर्म कहने का मतलब होता है प्लांट विथ नेकेड सीड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज
ग्रुप विथ स्मॉलेस्ट और फ्यू अमाउंट ऑफ फ्यू नंबर ऑफ प्लांट इन इट. ठीक ना, बहुत कम प्लांट एग्जिस्ट करते हैं जिम्नस फॉर्म के अंदर. Now we are coming to in food wall होगा ना? It is group with few number of plants. हाँ, आप क्या बोल रहे हो? Not enclosed in food wall होगा ना? हाँ, fruit wall are not, no, not गायब कर दिए हैं, are not enclosed in fruit wall. ठीक ना, fruit wall नहीं रहेगा, pericarp नहीं रहेगा. ठीक है, pericarp is absent. ठीक है, पेरिकार्प इज एब्सेंट. ठीक है, पेरिकार्प मतलब फ्रूट वॉल होता है. पेरिकार्प के पास फर्दर तीन वॉल्स होते हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प. ये एब्सेंट होना है. चलिए, ठीक है, कैरेक्टर देखते हैं. जनरल कैरेक्टर्स एक एक करके डील करते हैं हम लोग. हैबिटेट है ना, तो हैबिटेट मतलब कहाँ पाया जाएगा, तो पाया जाएगा कोल्डर रीजन में. ठीक है, कोल्डर रीजन, कोल्डर, टेम्परेट, ये सब एनसीईआरटी का लाइन है. यू कैन नॉट ऑमिट दिस वन. टेम्परेट, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल. ठीक है, सब ट्रॉपिकल ओरिजिन में पाए जाएंगे. ठीक ना, इट सर्वाइव फॉर सेवरल इयर्स. बोला मैंने पहले ही, बहुत दिनों तक रहता है ये. दैट मीन्स इट इज अ ग्रुप ऑफ पेरिनियल प्लांट. पेरिनियल का मतलब बताया मैंने, पेरिनियल प्लांट जो सालों सालों तक जीवित रहता है, दैट इज कॉल्ड पेरिनियल प्लांट. है ना, इट इंक्लूड्स श्रब्स. ठीक ना, हर्ब्स एब्सेंट होते हैं, हर्ब्स एब्सेंट होते हैं, श्रब्स हो गए, वुडी, क्लाइंबर, वुडी ट्रीज, वुडी ट्रीज. ठीक है, एंड इवन वुडी हर्ब श्रब्स. ठीक ना, हर्ब्स एब्सेंट होते हैं इसमें. हर्ब्स प्लांट इज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म. तो ये सब याद रखना ही कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना. यहीं से क्वेश्चन आता है कि जिम्नोस्पर्म में कौन से पौधे आते हैं. क्लाइंबर आता है, हाँ आता है, क्रीपर्स आते हैं, हाँ, लेकिन वुडी होते हैं. के बूढ़ी होते हैं, लकड़ी का तरह होता है, वो सब हार्ड होते हैं. ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादातर एग्जिस्ट करता है. ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है, ज्यादातर एग्जिस्ट करता है साइकस. ठीक है ना, साइकस जनरली एग्जिस्ट इन दिस रीजन. साइकस इज अ जिम्नोस्पर्म विच जनरली एग्जिस्ट इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन. नेक्स्ट प्लांट बॉडी देखते हैं हम लोग. प्लांट बॉडी जो देख पाते हैं हम लोग, प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट की प्रोबेबिलिटी 2n होगी एंड इज डोमिनेंट थ्रू आउट द लाइफ. डोमिनेंट थ्रू आउट द लाइफ.
आर ओ यू जी एस टी थ्रू आउट द लाइफ life okay. और इसका जो गैमेटोफाइट होता है वो हाईली रिड्यूस्ड हो जाता है और रिड्यूस होता है throughout the life. It's gametophyte is highly reduced. Highly शब्द हम लोग एंजियस फॉर्म में यूज करेंगे. Is reduced. R A D U C E D reduced. And are dependent on. किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा? स्पोरोफाइट के ऊपर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. इट इज अ कॉर्मोफाइट. कॉर्मोफाइट मतलब कॉर्मोफाइट एंड ट्राकियोफाइट मतलब ट्राकीज होंगे इसके पास, है ना. चलिए कुछ हम फिगर दे रहे हैं. सिकोया दैट इज रेडवुड is the largest gymnosperm. और इस planet पे सबसे बड़ा पौधा यही है. Largest gymnosperm. ठीक ना, angiosperm से भी बड़ा होता है ये. Zamia is the smallest gymnosperm. यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है जामिया से. जामिया का जो डायमेंशन होता है इट इज समथिंग अराउंड 25 सेंटीमीटर और ये सिकोया का होता है लगभग 112 मीटर लंबे होते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. कॉर्मोफाइट्स तो बता ही दिए. रूट्स के बारे में बताते हैं. रूट सिस्टम, फिर आएंगे हम पत्ते पे, फिर आएंगे स्टेम पे, सब जिक्र करते हैं. सर आपका आवाज को क्या हो गया? हाँ चलो अच्छा बंद कर दिए. ठीक है अभी सही है? यस सर. ओके हाँ. रूट सिस्टम. रूट ओके. इट हैज टू टैप रूट. हैज इट हैज टैप रूट. टैप रूट मतलब समझ रहे हैं ना, एक ही पॉइंट से निकला हुआ रहेगा. हाँ टैप रूट ओके. एक ही पॉइंट से निकला हुआ रहेगा और ब्रांचिंग होनी है एक ही एक्सिस, मतलब कि एक ही लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर से बहुत सारे ब्रांचेस निकले हुए रहेंगे. लाइक द टैप रूट इज दिस काइंड. ठीक ना, इस तरीके से जो रूट होगा उसको हम लोग टैप रूट कहते हैं. ठीक है, फाइब्रस रूट क्या होगा? एक ही पॉइंट से बहुत सारा फाइबर्स ग्रो किए हुए रहेंगे, दिस इज टैप रूट. ओके आगे बढ़ते हैं. ठीक ना, इसके पास दो ब्रांचेस होते हैं. ठीक है, इट हैज इट्स रूट पॉजेस टू टाइप्स ऑफ ब्रांचेस. ठीक है, हम रूट की ब्रांच की बात कर रहे हैं. ओके, स्टेम की नहीं. ठीक है, वन इज नॉर्मल रूट. ठीक है, एक नॉर्मल रूट रहेगा, है ना. और दूसरा होता है माइक्रोबियल एसोसिएशन वाला रूट. माइक्रोब के साथ एसोसिएट हो रखा होगा रूट में. ठीक है,
one is normal root, another is with microbial association. सो माइक्रोबियल एसोसिएशन वाला रूट हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में करे थे. वेरी गुड. ठीक ना, माइक्रोबियल एसोसिएशन दो प्रकार के होंगे. इट वुड बी, इट मे बी ऑफ टू टाइप ना. कौन कौन था, कौन कौन था बता सकते हो? माइकोराइजा, एक तो हो गया माइकोराइजा, MYCORHIZA, या फिर MYCORHIZA, दोनों सही है. ठीक है, माइकोराइजा और एक है माइकोराइजा, और दूसरे को हम लोग कहते हैं कॉलरॉइड रूट. ओके, कॉलरॉइड रूट और माइकोराइजल एसोसिएशन. ठीक है, माइकोराइजा वाला तो हम लोग कर चुके थे ना. माइकोराइजा इज व्हाट, किसके साथ एसोसिएशन होता है? It is association between root and fungi, na? Yes, sir. Raya, fungi ke saath tha, hai na? Colloid association hota hai root and bacteria, hai na? It is association between Cycas, C-Y-C-U-S, Cycas root and bacteria, that is cyanobacteria. तो दोनों का फंक्शन अलग अलग हो सकता है ना, दोनों का फंक्शन अलग अलग हो सकता है. यदि हम कॉलोरॉइड रूट की जिक्र करेंगे और इसमें हम ऑब्जर्व करेंगे कि साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो साइनोबैक्टीरिया किसके ट्रैक करता है जी? ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन में, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा या न्यूट्रिएंट को अवेलेबल करवाएगा? साइनोबैक्टीरिया, हिंट दे रहे हैं, साइनोबैक्टीरिया एक्ट एज बायो फर्टिलाइजर. सो साइनोबैक्टीरिया विल हेल्प इन गैदरिंग, हेल्प इन फिक्सिंग नाइट्रोजन, हेल्प इन अवेलिंग न्यूट्रिएंट टू द प्लांट. व्हाइल माइकोराइजा ये कोई अवेलेबल नहीं करवाएगा, ये कोई नया चीज का सिंथेसिस नहीं करवाएगा, सिंपली एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा. ओके, एब्जॉर्प्शन में मदद करना है, यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ. दिस सिंबायोटिक एसोसिएशन. सर कोलोरॉइड सिर्फ साइकस के रूट में होता है? हाँ, साइकस के रूट में होता है. ठीक है, याद रखेंगे, बार बार क्वेश्चन आ चुका है, सी साइकस. ओके, आ गया. हाँ, सी फॉर साइकस, C for coloroid, C for cyanobacteria, है ना, याद रखेंगे. क्वेश्चन आता है coloroid root किस में पाया जाएगा, है ना, माइकोराइजा, माइकोराइजा पाइनस में पाया जाता है. ठीक है, किस लिए है ये बता दे रहे हैं. सिंबायोटिक एसोसिएशन, एसोसिएशन हैव सीन फिक्सिंग नाइट्रोजन. ठीक है, नाइट्रोजन फिक्स करता है. सो बैक्टीरिया को भोजन मिलेगा, पौधे से शेल्टर मिलेगा, इन रिटर्न ये नाइट्रोजन फिक्स करके पौधे को देगा. ठीक है, एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जांपल ऑफ साइनोबैक्टीरिया जो यहाँ पे सही मायने में रहना है, दैट इज एनाबेना. एनाबेना, ठीक है, एनाबेना साइनोबैक्टीरिया है जो कि कॉलोरॉइड रूट बनाता है. ठीक है, और एनाबेना एक साइनोबैक्टीरिया है, साइकस के प्लांट में एसोसिएशन करता है. तीन चीजें हैं, कॉलोरॉइड रूट, साइकस, साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल हो जाएगा एनाबेना. माइकोराइजा फंगस के साथ एसोसिएशन बना रखा है ये. ठीक है, कौन सा फंगस ग्रुप है ये भी हम बता चुके थे आप लोग को. हाँ, ओके, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन. ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ABSORPTIN, absorption of nutrient, especially mainly phosphorus. यहां से क्वेश्चन आएगा,
किस प्रकार का न्यूट्रिएंट को ज्यादातर एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, दैट इज फास्फोरस। और भी माइकोराइजा के बारे में बता चुका था मैं, ठीक है वहां से कर लेंगे। सच रूट इट्स एसोसिएशन ऑकर्स, ओके डायरेक्ट लंबा चौड़ा हो जाएगा, जहां पे तुम्हारा माइकोराइजल एसोसिएशन होगा उस रूट के पास रूट कैप नहीं होगा, रूट हेयर्स नहीं होंगे, ओके हाँ। सच रूट डोंट हैव रूट कैप, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, इसके पास रूट कैप नहीं है और रूट हेयर भी नहीं है, ये भी मैं लिखा चुका हूँ वहां पे, नो रूट कैप एंड नो रूट हेयर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सच रूट, सच रूट शोस ए पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, सच रूट शोस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक ना। इसका कहने का मतलब क्या है, जो ग्रेविटी को कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, ठीक है, इट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग नो ग्रेविटी, ठीक ना, इस फिनोमिनन को कहते हैं नॉट रिस्पॉन्डिंग द ग्रेविटी, ठीक है, इस फिनोमिनन को कहा जाता है एपोजियोट्रॉपिज्म, एपोजियोट्रॉपिज्म, ठीक है, नॉट रिस्पॉन्डिंग द ग्रेविटी। चलिए ये हो गया रूट के बारे में, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लीव्स, पत्ते किस तरीके के होते हैं, ठीक ना, लीफ के बारे में देखते हैं। लीफ इसमें दो प्रकार का होगा, टू टाइप्स, सर थोड़ा नीचे पीछे, हाँ ठीक है, लीव्स दो प्रकार के होने हैं, लिख लो वहां पे, ध्यान दे रहा, लीफ दो प्रकार के होंगे, एक होगा स्केली लीफ और दूसरा होगा ग्रीन लीफ, जिसको हम लोग फॉलियर लीफ कहेंगे, हो जाएगा तो बोलेंगे, यस सर, हो जाएगा बोलेंगे, क्लियर सर। नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म को एपोजियोट्रॉपिज्म बोलते हैं ना, नहीं एपोजियोट्रॉपिज्म का मतलब ही हो जाएगा रिस्पोंड नहीं करना, ठीक ना, ग्रेविटी को रिस्पोंड नहीं करना, ठीक है, ग्रेविटी को रिस्पोंड नहीं करना, लिख लिया सर, ओके ओके। इसके पास दो प्रकार के लीफ होंगे, स्केली लीफ एंड फॉलिएज लीफ, टू टाइप्स ऑफ लीफ, ये भी ये होगा ना, लीफ आर देयर, आर देयर इन जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जैसे कि एक हो जाएगा स्केली लीफ, स्केली लीफ आपको देखना है तो अदरक देखेंगे, अदरक को जब छिलेंगे छुड़ाएंगे तो उसमें से छोटे छोटे स्केल्स का अदरक कुछ स्ट्रक्चर निकलेगा, दैट इज द स्केली लीफ, है ना, वो स्केली लीफ है। दूसरा आ जाएगा फोलियर लीफ और फॉलिएज लीफ, फॉलिएज लीफ, ठीक है, स्केली लीफ नॉन ग्रीन होते हैं वाइल द फॉलिएज लीफ आर ग्रीन, ओके, ये डिफरेंस है ना, ये स्केली लीफ किस तरीके से होगा, नॉन ग्रीन, ठीक है, नॉन ग्रीन है तो फंक्शन क्या हो जाएगा इसका, functions as protection, functions as
फंक्शन उसका काम हो जाएगा प्रोटेक्शन का, ठीक है ना। ओके, ये नॉन ग्रीन है ये नहीं, तो फॉलिएज लीफ ये ग्रीन होता है। ग्रीन कहने का मतलब फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, सो फोटोसिंथेसिस करेगा ये फोटोसिंथेसिस। फोलियर में भी देखेंगे तो दो प्रकार का होगा, कंपाउंड होगा और सिंपल लीफ होंगे, ठीक है। कंपाउंड टाइप, कंपाउंड का मतलब समझ रहे हो, टू टाइप्स, कंपाउंड लीफ एंड सिंपल लीफ। नीम का पत्ता देखे हो? Yes, sir. नीम का पत्ता जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड लीफ। ओके, नीम का, इमली का कंपाउंड लीफ। पपाया पत्ता देखे हो? Yes, sir. ओके, मैंगो लीफ, मैंगो लीफ इज सिंपल लीफ, ठीक ना। सिंपल लीफ और कॉम्प्लेक्स लीफ, कंपाउंड लीफ हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, ठीक ना। सिंपल लीफ जो होते हैं उनका जो वेन होगा, वेन एक ही रहेगा या बहुत सारा रहेगा, लेकिन उसका जो आउटर मार्जिन होना है ना वो मिड रिब को टच नहीं करेगा, सीधा आके एक जगह पे ही एंड होना है। ये सिंपल लीफ कुछ इस तरीके से होंगे, ठीक है। सिंपल लीफ इस तरीके से होंगे, ओके। कंपाउंड लीफ क्या होंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज मिड रिब, है ना, ये मिड रिब है, तो ये देखो इस तरीके से ग्रो किए हुए रहेंगे कंपाउंड लीफ में, है ना, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ रहेगा। दिस इज कंपाउंड लीफ, दिस इज कंपाउंड लीफ, कंपाउंड लीफ ये है सिंपल लीफ, ठीक है। ये मिड रिब है, मिड रिब, ओके, ये है आपका मिड रिब यहाँ पे। डेफिनेशन लिखना चाहे तो छोटे से पॉइंट में खत्म कर सकते हैं। लीफ हूज मार्जिन टचेस, हूज मार्जिन टचेस द मिड रिब, मिड रिब को टच करेगा, इसमें इट्स मार्जिन do not touches the midrib, do not touches the midrib, ये क्या आ गया, ठीक है। midrib को touch नहीं करेगा, डिटेल में हम लोग को देखना है अगले चैप्टर में। फिनिश, हटाइए इसको, बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, ये यहाँ से लेने देने नहीं है, बस आपको जानना है क्या होते हैं सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। एग्जांपल दे रहे हैं, साइकल्स हैज कंपाउंड लीफ, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आता है किसके पास, ठीक ना, किसके पास कंपाउंड लीफ है, किसके पास सिंपल लीफ है, ये क्वेश्चन आता है। CYCUS, साइकल्स, साइकल्स के पास कंपाउंड लीफ है, व्हाइल पाइनस हैज पाइनस, पाइनस हैज सिंपल लीफ, ठीक ना। पाइनस के पास निडल शेप में लीफ रहता है, पाइनस हैज स्केली लीफ प्लस निडल शेप, निडल शेप, निडल शेप्ड लीफ। दिखाएंगे डायग्राम उसका इस तरीके से, बताएंगे ये लीफ, ठीक ना, और ये लीफ, ठीक ना, दोनों पत्ते ही हैं, वन इज ऑल्सो लीफ, सेकेंड इज ऑल्सो लीफ। वन होने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है, दूसरा होने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है, बताएंगे जरा। यदि पहला डायग्राम बना रखे हैं, यदि उस प्रकार से लीफ है तो पौधे को क्या फायदा होना है, क्या नुकसान होना है, यदि हम दूसरा ज्यादा होगा ए में, हाँ, ए में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, बी में फोटोसिंथेसिस कम होगा, कम होगा। चलिए, आपने फोटोसिंथेसिस का रिस्पेक्ट में बता दिया, और कुछ, ये तो फायदा हो गया ना, एक का फायदा एक का नुकसान, इंस्पिरेशन भी कम होगा सेकंड वाले में,
क्या हो जाएगा? ट्रांसपिरेशन कम होगा. वेरी गुड, ट्रांसपिरेशन है ना. ओके, छोटा लीफ रहने से क्या होगा, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होगा, वाटर लॉस कम होगा ना. इसीलिए पाइनस अपना लीफ को मॉडिफाई करके पतला बना रखा है ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो, वाटर लॉस कम हो, क्योंकि ये उस जगह पे पाया जा रहा है जहां पे पानी की कमी हो रखी हो, है ना. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सर, साइकस किसका एग्जांपल है? कौन सा साइकस? साइकस इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड लीफ. इट्स एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड लीफ. ठीक है, आगे बढ़े. आगे चलते हैं. साइकल्स पाइनस इधर लिखते हैं. पाइनस हैज रिड्यूस्ड शेप और रिड्यूस्ड लीफ, निडल शेप लीफ, निडल शेप लीफ टू प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन. प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करेगा और कुछ नहीं. ओके, आगे बढ़ते हैं. और कुछ कुछ पॉइंट होगा तो देखते हैं. ठीक है, प्रेजेंस ऑफ वैक्सी सब्सटेंस आल्सो देयर. ठीक है, प्रेजेंस ऑफ वैक्सी सब्सटेंस ओवर लीफ अगेन टू प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन वैक्सी सब्सटेंस होता है, वाटर का रिपेलेंट है, ट्रांसपिरेशन को रोकेगा. नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ, ये सबके लिए ओके, प्रेजेंस ऑफ वैक्सी सब्सटेंस. पाइनस का नहीं, पाइनस का सिर्फ स्पेशल केस ऊपर लिख दिया निडल शेप में, बाकी ये पॉइंट और ये पॉइंट जिम्नोस्पर्म के लिए लागू होता है. शंकन स्टोमाटा, शंकन स्टोमाटा मीन्स, शंकन स्टोमाटा कहने का मतलब ये है, देखो फॉर एग्जाम्पल आउटर लेयर है, कहीं पे जाके ये बीच में इम्बेडेड होगा, है ना, और इस इम्बेडेड वाले रीजन में स्टोमाटा प्रेजेंट होगा. ठीक है, सो शंकन स्टोमाटा होने से फायदा क्या है बता रहे हैं. शंकन स्टोमाटा, ठीक है, ये रहा शंकन स्टोमाटा और ये रहा नॉर्मल स्टोमाटा. नॉर्मल स्टोमाटा ये है ना. देखिए, मान के चलिए ट्रांसपिरेशन हुआ, ट्रांसपिरेशन के चलते पानी अगल बगल यहाँ पे बैठा हुआ है ना, पानी यहाँ पर है. सो ट्रांसपिरेशन के चलते पानी यहाँ पर है, ट्रांसपिरेशन के चलते पानी यहाँ पे आया, वेपर यहाँ पे आया है ना. अब क्या होगा, विंड ब्लो करेगा, तो विंड क्या करेगा, ये पूरे हवा पूरे पानी को दूसरे जगह लेके चला जाएगा. फिर से यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, फिर से यहाँ पे वाटर डेफिशिएंट एरिया क्रिएट होगा, हुआ कि नहीं होगा? यस. तो फिर से क्या करना पड़ेगा, पौधे को फिर से पानी बाहर निकालना पड़ेगा. सो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज्यादा होगा. शंकन स्टोमाटा होगा तो क्या होगा, स्टोमाटा के आसपास पानी रहेगा हमेशा, ये मॉइस्चर वाला कंडीशन, ये वेपर वाला कंडीशन हमेशा रहेगा. विंड इसको बहा के ले जाता है तो चला जाएगा, लेकिन ये वाला पोर्शन में पानी अभी भी रहेगा ना, वेपर अभी भी रहेगा, है ना, वेपर अभी भी रहेगा. पौधे को लगेगा कि हमारे आसपास तो अभी मॉइस्चर है ही है, वाटर लॉस करने की कोई जरूरत नहीं है, है ना. इसी स्ट्रैटेजी को अपनाने के लिए स्टोमाटा को थोड़ा सा इम्बेड कर दिया गया, अंदर कर दिया गया. इसी स्टोमाटा को कहते हैं शंकन स्टोमाटा. शंकन स्टोमाटा प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन. शंकन स्टोमाटा प्रिवेंट्स ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करना है. नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं.
साइकल्स के जिक्र कर रहा हूँ. इन साइकल्स ओनली वन मेन वेन इज देयर, मेन वेन इज प्रेजेंट, नो वेन लाइट्स आर देयर, वेन लाइट्स नहीं रहते हैं. ओके, वेन्स लेटरल वेन्स नहीं रहते हैं, वेन लाइट्स नहीं रहते हैं. वी आई एन एल यस, नो वेन लाइट्स इन इट. सो वेन लाइट्स नहीं है, वेन लाइट समझ रहे हो कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल ये वेन, ठीक है, ये रहा वेन लाइट्स, ये वेन लाइट्स है. सो वेन लाइट्स का फंक्शन होता है अगल बगल पानी को पहुंचा देना. सो साइकिल्स के अंदर वेन लाइट्स नहीं है, वेन लाइट्स नहीं है तो लीफ के कोने कोने, लीफ के हर पोर्शन में पानी कैसे पहुंचेगा? सो इन ऑर्डर टू ट्रांसफर ट्रांसफर सैप, सैप कहने का मतलब पौधे का फ्लूइड, के पौधे के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम लोग सैप बोल सकते हैं. सैप, फूड, ठीक है, चलेगा. सेप ऑफ फूड, स्पेशल टिश्यू, स्पेशल ट्रांसफ्यूजिंग टिश्यू इज प्रेजेंट, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इज प्रेजेंट कॉल्ड, ठीक है, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टेल, हाइड्रो स्टेल, एस टी एल ई, हाइड्रोस्टेल, हाइड्रोस्टेरोल. ओके, हाइड्रोस्टेल इट्स अ स्पेशल टिश्यू विच कंडक्ट्स वॉटर थ्रू, ओके, थ्रू आउट द लीफ फ्रॉम वेन लाइट्स. और कुछ पूछेंगे? हाइड्रो कुछ पूछना है? आगे बढ़ते हैं. पिनेट लिप्स क्या होता है? पिनेट है, पमेट है, अरेंजमेंट है, ये सब लिप्स का अरेंजमेंट है. तुम्हारा स्कूल में हो गया लिप का अरेंजमेंट है? दिस इज फाइलोटैक्सी. ओके, पिनेट टाइप होता है कंपाउंड लीफ के अंदर. ये तुम्हारा नीम की तरह, नीम का पत्ता देखे हो? Yes, sir. इसको बोलते हैं पिनेट टाइप, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पिनेट टाइप. एक होता है पामेट टाइप, पाम कहने का मतलब हाथ का तरह स्ट्रक्चर रहेगा. हम पढ़ाएंगे, आप अगले चैप्टर में पढ़ना है पिनेट टाइप, ठीक ना? इवन पिनेट, ओड इवन पिनेट होता है, नीम का एग्जाम्पल आएगा, इमली का आएगा, रोज का आता है ना, करेंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इसमें से कुछ पूछना है तो पूछेंगे जल्दी से. सारा जिम्नोसॉफ टैप रूट ही होता है, कोई फाइब्रस नहीं होता है. हाँ हाँ, कोई फाइब्रस रूट ना, कोई फाइब्रस रूट नहीं है. सब सारे के सारे के पास यही होते हैं, इसी प्रकार के रूट होते हैं. नेक्स्ट नेक्स्ट पहुंचते हैं हम लोग स्टेम पे. सिक्स्थ हो जाएगा शायद. स्टेम देखते हैं, स्टेम किस तरीके से होगा. अनब्रांच्ड, ठीक है, अनब्रांच्ड इन साइकल्स, ब्रांच्ड पाइनस के केस में, है ना? ब्रांच एंड अनब्रांच. ओके, नेक्स्ट
क्या बोलेंगे और हैबिटेट हैबिट ऑफ कैनोपी. कैनोपी देखने में कैसा लगेगा, ऊपर से पौधे को देखेंगे तो किस तरीके से लगेगा, ठीक ना. एक्सकरण टाइप कैनोपी, एक्सकरण टाइप इन पाइनस, पाइनस के केस में किस तरीके से कैनोपी रहेगा. क्रिसमस ट्री देखे हो ना, तो इस शेप में रहेगा एक्सकरण टाइप. डिकरण टाइप इन साइकल्स, डिकरण टाइप इस तरीके से, ठीक है. डिकरण टाइप इस तरीके से, ये पौधा हो गया एक, ये पौधा दूसरा हो गया. तो बताओ जरा आम का पौधा किस तरीके से होगा, डिकरण टाइप या एक्सकरण टाइप? डिकरण, डिकरण टाइप होना, ठीक ना, इस तरीके से होगा. इसको एक्सकरण और काउडेक्स टाइप भी कहते हैं, ठीक है, काउडेक्स टाइप भी कहते हैं. चलिए हटाइए ये सतह नंबर, देखते हैं वास्कुलर बंडल. वास्कुलर बंडल, वास्कुलर बंडल मीन्स कंडक्टिंग, कंडक्टिंग ना, कंडक्टिंग टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू. सो वास्कुलर बंडल मीन्स इट इज कॉर्मोफाइट, ट्रैकियोफाइट भी है. So it will have xylem as well as phloem. लेकिन यहाँ पे xylem और phloem 100% complete नहीं होता है, which is present in dicots. ठीक ना? Xylem के पास क्या-क्या होते हैं? Xylem fiber होगा. Xylem fiber is there. Tracheid is there. But vessels are absent. Tracheids है, but no vessel. ये important है. No वैसल. ठीक, उसी की तरह फ्लोएम में देखते हैं क्या क्या प्रेजेंट है. सो फ्लोएम हैज फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर है. ठीक, सीव सेल है. इट हैज सीव सेल, मींस नो सीव ट्यूब, सीव ट्यूब नहीं है इसके पास. नो कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल भी नहीं है, कंपेनियन सेल भी नहीं है. सो कंपेनियन सेल की जगह पे एक स्पेशल सेल होता है, दैट इज कॉल्ड एल्बुमिनस सेल. इंस्टीड ऑफ, यहां से क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी का लाइन है, इंस्टीड ऑफ कंपेनियन CMPANION कंपेनियन सेल, एल्बुमिनस सेल इज प्रेजेंट. Albuminous cell is present. यहाँ से क्वेश्चन आता है जी, इम्पोर्टेंट है. ओके, नीट में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, नीट में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, एम्स में भी आ रखा है कि जिम्नोस्पर्म्स के पास सीव ट्यूब से एक कंपेनियन सेल नहीं है, उसी का तरह काम कौन करता है, दैट इज एल्बुमिनस सेल. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हाँ, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन बताते हैं. एक्सेप्शन, एक ऐसा जिम्नोस्पर्म का नाम दे रहे हैं जिसके अंदर वेसल्स भी प्रेजेंट है, ठीक ना. एफेड्रा, एफेड्रा नहीं, निटेल्स, सॉरी, नॉट एफेड्रा, निटेल्स. ठीक है, निटेल्स, नीटम के अंदर निटेल्स हैज वेसल्स आल्सो, वेसल्स also beside tracheids. Okay, इसके अंदर एक ही ग्रुप है निटेल, एक ही ग्रुप है. इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे जीनस आते हैं, ठीक ना. इसके अंदर जीनस आएंगे सच एज नीटम, नीटम, एफेड्रा. एफेड्रा याद रखेंगे, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक ना. ये दोनों जीनस है जिसमें ट्रकीज वेसल्स प्रेजेंट है, मतलब कंप्लीट है वास्कुलर बंडल. एफेड्रा से क्वेश्चन आ रखा है बहुत बार, ये याद रखें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है. आगे बढ़ते हैं.
स्पोरोफाइट देखते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फ्लावर नहीं है यहाँ पे, नो फ्लावर है ना, फ्लावर नहीं है यहाँ पे, स्पोरेंजिया इज देयर, स्पोरेंजिया इज प्रेजेंट, स्पोरेंजिया इज प्रेजेंट, स्पोरेंजिया इज प्रेजेंट ओवर लीफ, क्या बोलेंगे उसको, स्पोरेंजिया इज प्रेजेंट, वेरी गुड, प्रेजेंट ओवर लीफ, सच लीफ इज कॉल्ड, सच लीफ इज कॉल्ड स्पोरोफिल, ठीक है, चलिए, वेरी गुड, सच लीफ इज कॉल्ड स्पोरोफिल. Now, collection of sporophylls are called what? Collection or aggregation. Aggregation of sporophylls are called what? Kaun batayega? Who can say? Who can say? Come on, come on, come on. Are called what? Cones. Very good. Cone. ठीक है? Cone बोलेंगे या फिर? Strobili. Strobilus, strobili. ठीक है? Strobilus. Strobilus. ठीक है? Strobilus कहेंगे या फिर? Cone कहेंगे. ठीक ना? Strobilus या फिर cone कहेंगे. चलिए. ओके मान के चलो कोई एक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है दे आर हेटरोस्पोरस हेटरोस्पोरस है हेटरोस्पोरस है मतलब कि चलो दूसरे जगह जिक्र करते हैं हेटरोस्पोरस होमोस्पोरस ओके अच्छा चलिए एक स्ट्रोबिलस ऐसा होगा जिसके पास सिर्फ और सिर्फ स्पर्म सेल्स बनेंगे एक स्ट्रोबिलस ऐसा होगा जिसके पास सिर्फ और सिर्फ फीमेल गैमेट बनेगा तो कैन यू टेल मी उन स्ट्रोबिलस को उन कोन को क्या क्या नाम दिया जा सकता है उस स्पोरोफिल का क्या नाम दिया जा सकता है मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट आर प्रोड्यूस्ड ऑन separate strobilus or sporophyll ठीक है जो भी लिखना चाहें strobilus strobilus और sporophyll है ना sporophyll so the male sporophyll is known as male sporophyll को क्या कहेंगे मेल स्पोरोफिल कॉल्ड ठीक है एंड फीमेल स्पोरोफिल और बताओ आर्चिगोनियल ठीक है आर्चिगोनियल भी सही है ये भी सही है और कुछ दूसरा टेक्निकल नाम आर्चिगोनियल स्पोरोफिल स्ट्रोबिलस मेल स्ट्रोबिली ठीक है ये भी सही है मेगा माइक्रो से बताओ जरा माइक्रोस्पोरेंजियट माइक्रोस्पोरोफिल Microsporophyll and Megasporophyll. ठीक है Megasporophyll and Microsporophyll. ठीक है चलिए इसको हम थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से बना दे रहे हैं आप लोग को बोतर वुडी वुडी ठीक है दोनों लकड़ी की तरह होते हैं स्ट्रक्चर दिखा है इसका देखिए इस तरीके से होता है स्ट्रोबिलस ऑफ पाइनस क्लास नाइन्थ में भी दिखाए थे शायद हम लोगों को ये स्ट्रक्चर देखो आप लोग देखो ये वाला यस सर यस सर नाइन्थ प्रैक्टिकल में लिखे थे सर
ठीक है, ये किसी के घर में पड़ा भी होगा, सजाने के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रक्चर पता है ये, है ना, ये उसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, इस तरीके से स्ट्रक्चर उसके अंदर रहता है। इस तरीके से रहता है, ठीक ना। चलिए आते हैं, वुडी नेचर का होता है, लकड़ी के नेचर का होता है। देखिए किस तरीके से बनता है बता रहे हैं। सबसे पहले क्या प्रेजेंट रहेगा, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया प्लस लीफ, है ना। क्या बनेगा, स्पोरेंजिया प्लस लीफ, स्पोरोफिल, SPOROPHYLL, स्पोरोफिल। नाउ इफ इफ इट इज ऑफ मेल, मेल का है तो क्या बन जाएगा ये, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरो, ठीक है, क्या बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल आर कॉल्ड मेल कोन। क्या बोलेंगे, मेल कोन, स्पर्म कोन, ठीक है, बहुत सारा नाम हो सकता है इसका, ठीक, मेल कोन। पोलन कोन, ठीक ना, मेल कोन या फिर पोलन कोन कहेंगे, ठीक है। हाँ, सेम चीज यहाँ पे भी हम बना रहे हैं फीमेल के लिए, फॉलो करेंगे जरा, स्पोरेंजिया प्लस लीफ, दैट इज कॉल्ड व्हाट, स्पोरोफिल, स्पोरोफिल। If it is of female, क्या बोलेंगे इसको, मेगास्पोरोफिल, माक्रो, माक्रो, मेगास्पोरोफिल बोलेंगे, ठीक है, हाँ सही है, मेगास्पोरोफिल सही है, मेगास्पोरोफिल, चलिए सही है। एंड कलेक्शन को क्या बोलेंगे, इट्स कलेक्शन, कलेक्शन, फीमेल कोन, कलेक्शन को बोलेंगे हम लोग फीमेल कोन, सीड कोन, क्योंकि सीड इसी पे आना है ना, ले सीड कोन भी कहते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रहने देते हैं यहीं पे, इसका डिटेल हम लोग पाइनस में, साइकस में स्टडी करेंगे, जिसका लाइफ साइकिल करेंगे उसमें। नाउ टाइप्स ऑफ वुड, आज के डेट में बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ वुड विच इज प्रेजेंट इन द जिम्नोस्पर्म, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनेंगे, यदि लकड़ी जो बनता है, अच्छा लकड़ी किसको कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे, आप आम का पेड़ देखते होंगे ना, ना, या फिर कोई भी पौधा देखे हो आप, उस पौधे का एक अपर लेयर निकल जाता है, ठीक है, निकल जाता है, मतलब कि दातुन देखे हो, दातुन, Yes, नीम का दातुन या फिर आम का दातुन, ठीक है, दातुन में से हम एक लेयर हटा देते हैं, दातुन करने से पहले पतला सा लेयर होता है, ग्रीन कलर का होता है, उसको निकाल देते हैं हम लोग, देखो कि नहीं, yes, दैट लेयर इज कॉल्ड बार्क, उस लेयर को हम लोग बार्क कहते हैं, है ना। और उस लेयर के बाद जो टिश्यूज रहते हैं ना, जो स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम लोग वुड कहते हैं, दैट इज कॉल्ड वुड, ओके। तो इस बार्क के अंदर क्या रहता है, ओके, इस बार्क के अंदर प्रेजेंट रहता है फ्लोएम, ओके, फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम ना, उसके बाद रहेगा पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड एपिडर्मिस, इतना सारा लेयर आप उखाड़ के फेंक दी, दैट इज कॉल्ड बार्क, है ना। और उसके बाद क्या रहता है, जो आप दातुन ले रखे हो, उसके पास रहता है सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम एंड पीथ, एज वेल एज कैम्बियम, इतना ही चीज बचता है। सो इतना ही चीज वाले को हम लोग बोलते हैं वुड, लकड़ी, बस लकड़ी के अंदर ना
अच्छा लकड़ी के अंदर सिर्फ और सिर्फ जाइलम रहता है और कुछ नहीं रहता है, बीच में पिथ हो सकता है, अदरवाइज इट इज ओनली जाइलम, ध्यान रखेंगे सिर्फ और सिर्फ जाइलम ही रहेगा, है ना। सो टाइप ऑफ वुड में हम बता रहे हैं, यदि लकड़ी बनता है सेकेंडरी एक ही प्रकार का, क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है, बन रहा है यदि ना, उस प्रकार के रूट को हम लोग कहेंगे मोनोजिलिक वुड, ठीक, मोनोजिलिक वुड कहेंगे, ठीक ना। एक ही प्रकार का कैम्बियम काम कर रहा है इस लकड़ी को बनाने के लिए, एक ही प्रकार का कैम्बियम, दैट इज वास्कुलर कैम्बियम इज ओनली पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ वुड, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे कौन सा, क्या कहेंगे, मोनोजिलिक वुड। यदि कोर्क कैम्बियम भी पार्टिसिपेट, उसको हम लोग कहेंगे नहीं, कोर्क कैम्बियम नहीं, एक से ज्यादा कैम्बियम, एक से ज्यादा कैम्बियम, दैट इज कोर कैम्बियम ओनली, ठीक है, एक से ज्यादा कैम्बियम का पार्टिसिपेशन होगा रूट बनाने में, लकड़ी बनाने में, उसको हम लोग कह सकते हैं पॉलीजिलिक कैम्बियम वुड, सॉरी लिख देते हैं, इसमें हवा में कहने से कोई फायदा नहीं होगा, वुड इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ, एक्चुअली द वुड इज एक्चुअली ठीक है, ये कैम्बियम का प्रोडक्ट है, एंड स्पेशली द सेकेंडरी कैम्बियम, स्पेशली द कैम्बियम एंड स्पेशली द सेकेंडरी जाइलम इज द प्रोडक्ट ऑफ कैम्बियम एंड आई एम मेकिंग सम क्यूज हियर, वुड इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ कैम्बियम, ठीक है, कैम्बियम, दिस कैम्बियम गिव राइज टू सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, जितना ज्यादा सेकेंडरी जाइलम उतना बड़ा जड़, उतना मोटा लकड़ी होगा ना, वॉल्यूम होगा उतना बड़ा, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि कैम्बियम एक ही है, एक कैम्बियम से यदि लकड़ी बनेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनोजिलिक वुड, इफ ओनली वन कैम्बियम is involved in wood formation, wood formation, उसको हम लोग बोलेंगे मोनोजिलिक, मैनो मतलब एक होगा और मोनोजिलिक, मोनोजाइलिक, एक्स वाई एल आई सी, मोनो मतलब एक, मोनोजाइलिक वुड होगा, एग्जाम्पल पाइनस। सो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा, पाइनस के पास किस प्रकार का वुड, मोनोजिलिक वुड, किसके चलते बना, एक ही कैम्बियम का इन्वॉल्वमेंट के चलते, फिनिश। आगे देते हैं, इफ टू कैम्बियम, दो कैम्बियम इन्वॉल्व है इन वुड फॉर्मेशन, उसको हम लोग कहेंगे पॉलीजिलिक वुड, पॉलीजाइलिक वुड, और पॉलीजाइलिक वुड थोड़ा मोटा होगा एज कंपेयर टू मोनोजिलिक वुड। सो साइकस का पौधा मोटा होता है, मोटा इसलिए होता है ताकि उस, क्योंकि उसमें दो कैम्बियम प्रेजेंट, टू कैम्बियम पॉलीजिलिक, बस इतना ही, टू कैम्बियम इन्वॉल्व है पॉलीजिलिक वुड कहलाएगा, एग्जाम्पल हो गया साइकस। आगे बढ़ते हैं,
टेक्नोजेलिक वुड टेक्नोजेलिक वुड कहने का मतलब होगा इसमें सॉफ्ट टिश्यू कम होंगे और हार्ड टिश्यू ज्यादा होगा. ओके हैज हायर अमाउंट ऑफ वास्कुलर टिश्यू. ठीक है वास्कुलर टिश्यू ज्यादा होगा TISUE एंड लेस सॉफ्ट टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं. रेपेरेंकाइमा हो गया. ठीक है रेपेरेंकाइमा कम होगा वास्कुलर टिश्यूज जाइलम फ्लोएम ज्यादा होंगे. ठीक है जाइलम ज्यादा होगा दैट इज कॉल्ड पॉलीजेलिक वुड एग्जाम्पल और पिक्नोजेलिक वुड एग्जाम्पल हो जाएगा आपका पाइनस. सो आप लोगों को बस याद रखना है पाइनस हैज पिक्नोजेलिक वुड बस ये. इसमें ये नहीं पूछेगा कि वास्कुलर टिश्यूज का कंसंट्रेशन कितना है ना ये नहीं पूछेगा. सो ये अच्छी बात है. पिक्नोजेलिक वुड मेनोजेलिक वुड मेनोजेलिक वुड. सो मेनोजेलिक वुड इसका उल्टा कर देंगे रिवर्स ऑफ प्रीवियस वन आर ये रिवर्स ऑफ टेक्नोजेलिक. ठीक है उसका उल्टा कर देंगे है ना. कहने का मतलब इसमें हार्ड टिश्यू कम होंगे सॉफ्ट टिश्यूज ज्यादा होंगे. इसका एग्जांपल लिख देते हैं साइकस देखे हो थोड़ा सॉफ्ट होता है इस कंपेयर टू पाइनस. ठीक है ये हो गया और देखते हैं हेट्रोजेलिक वुड कहने का मतलब ऐसा लकड़ी जिसमें ट्राकी और वेसल्स दोनों होंगे प्रेजेंस ऑफ ट्राकीट एंड वेसल्स उसको हम लोग कहेंगे हेट्रोजेलिक वुड. एग्जांपल निटेल्स निटेल्स के पास ही सिर्फ और सिर्फ वेसल निटेल्स एक ऐसा ग्रुप था जिसके पास वेसल है बाकी किसी के पास भी वेसल नहीं है. निटेल के निटेल एक ग्रुप है. ठीक है होमोजेलिक वुड कहने का मतलब ओनली ट्राकीट आर प्रेजेंट ट्राकीट सेल्स आर प्रेजेंट उसको हम लोग कहेंगे होमोजेलिक. एक ही प्रकार का सेल है ना ये पूरा देख सकते हैं तो क्या बोलेंगे ये पूरा जिम्नोस्पर्म में होगा एक्सेप्ट द निटेल्स. ठीक है ऑल जिम्नोस्पर्म एक्सेप्ट निटेल्स निटेल्स को छोड़ देंगे तो सारे के पास होमोजेलिक वुड ही रहेगा है ना. इसका लाइफ साइकिल कैसा होना है ये भी देख लेते हैं. लाइफ साइकिल इज डिप्लॉन्टिक कहने का मतलब डोमिनेंट फेज इज मींस द डोमिनेंट फेज इज ऑफ किसका डोमिनेंट फेज किसका रहेगा स्पोरोफाइट का. एंड व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ स्पोरोफाइट 2N. ये रहेगा. ठीक है तो यहाँ पे जनरल कैरेक्टर खत्म होता है. अगले सेक्शन में हम डील करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस. ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं. ये शेयर हो जा रहा है कि नहीं लेट मी चेक. नहीं होगा तो फिर हम दूसरी जगह करेंगे. हो तो जा रहा है. ठीक है हो जा रहा है. सो अब अगला सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस. लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस कितने बजे तक क्लास है. 4 बजे. ओके चलिए
पाइनस का स्टार्ट करते हैं लाइफ साइकिल, ठीक ना। सो पाइनस किस प्रकार का पौधा है? इस कॉनिफरस जिम्नोस्पर्म, कॉनिफर जिम्नोस्पर्म, कॉनिफर कोन की तरह शेप है इसका, कॉनिफर जिम्नोस्पर्म है ये, ठीक है। ऑफ ऑर्डर निटेल कॉनिफेरल, ठीक है, इसका ऑर्डर हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक्सकरंट हैबिट। एक्सकरंट हैबिट का मतलब मैं बता चुका हूँ, करंट हैबिट कहने का मतलब इस तरीके का शेप रहेगा इसका केनोपी ना। ब्रांच के बारे में डील करते हैं, ठीक है। तो पाइनस के पास दो ब्रांच होते हैं, एक, ठीक ना, पाइनस के पास दो ब्रांच होते हैं, वन इज लॉन्ग एंड वन इज शॉर्ट, ठीक ना। फॉर एग्जांपल ये रहा मेन शूट, ये रहा मेन स्टेम आपका, मेन स्टेम है। यहाँ पे एरो दे रहे हैं हम, इस एरो का मतलब क्या पता क्या दर्शा रहा है जी? इस एरो का मतलब ये है कि इसका ग्रोथ किस तरीके का होगा, इसका ग्रोथ कंटिन्यू है, रुकेगा नहीं, है ना, इसका ग्रोथ रुकेगा नहीं, एरो का मतलब ये है। सो स्टेम हो गया, स्टेम के ऊपर दो ब्रांचेस होंगे ना, जो कंटिन्यूसली ग्रोथ करता रहेगा उसको हम लोग कहेंगे लॉन्ग शूट ब्रांच और सिंपली लॉन्ग शूट कहेंगे, दिस इज कॉल्ड लॉन्ग शूट ब्रांच। लॉन्ग शूट ब्रांच से निकला हुआ रहेगा शॉर्ट शूट ब्रांच, इस तरीके से ये ब्रांच है, लीफ नहीं है, ये क्या हो जाएगा आपका शॉर्ट SHORT शूट ब्रांच, ठीक है, शॉर्ट ब्रांच हो जाएगा। जो लॉन्ग दिख रहा है ना, लॉन्ग शूट जो देख रहे हो उसके पास सिर्फ और सिर्फ स्केली लीफ प्रेजेंट रहेंगे, स्केली लीफ प्रेजेंट रहता है लॉन्ग शूट ब्रांच हैज स्केली लीफ, ठीक ना। व्हाइल शॉर्ट शूट ब्रांच हैज बोथ, दोनों पत्ते होंगे इसके पास स्केली एज वेल एज स्केली एंड फोलियर लीफ और फोलियज लीफ, ठीक है। और पाइनस के पास जो फोलियज लीफ था वो किस तरीके का था, निडल शेप का था, है ना। तो देखिए हम यहाँ पे अब लीफ बना रहे हैं, सबसे पहले हम इसका बनाते हैं स्केली लीफ, ये रहा सीजर स्केली लीफ, स्केली लीफ लाल कलर से जो बना रखे हैं दैट इज स्केली लीफ, ये स्केली लीफ है, लाल रेड जहां पे भी दिख रहा है दैट इज स्केली लीफ, इस तरीके से स्केली लीफ हो गए। अब बना रहे हैं हम फोलियर लीफ इस तरीके से होता है, दिस इज फोलियर लीफ क्लस्टर में रहता है 2 से 5 का, मिनिमम 2 मैक्सिमम 5, इस तरीके से दिस इज फोलियर लीफ, इस तरीके से, इस तरीके से रहना है। देखिए हम इसका डायग्राम भी दिखा रहे हैं, अभी फोटो दिखा रहे हैं हम इस तरीके से, पाइनस का लीफ दिखा रहा हूँ, देखेंगे दिख रहा है,
देख रहे हैं यहाँ पे, देख पा रहे हो? ठीक है, निडल का शेप में है, निडल के शेप में दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है, स्केल्स का तरह भी दिख रहा है, स्केल का तरह भी दिख रहा होगा, दैट इज स्केली लीफ। ये वो स्केली लीफ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लस्टर अच्छे से दिख रहा है, देखो तो एक जगह से दो, कहीं पे तीन उगे हुए हैं, है ना, ये रहा। तो इस तरीके से लीफ रहता है पाइनस के पास। फंक्शन बता चुके हैं, स्केली लीफ का फंक्शन क्या होगा, प्रोटेक्शन करना, है ना, और फॉलियर लीफ का फंक्शन होगा फोटोसिंथेसिस करना। सो पाइनस हैज टू टाइप्स ऑफ ब्रांच, टू टाइप्स ऑफ लीव्स एंड टू टाइप्स ऑफ कोन ऑल्सो। पाइनस हैज टू टाइप्स ऑफ ब्रांच, ब्रांच भी दो प्रकार का हो गया, ठीक ना, लीफ भी दो प्रकार का हो गया, और कोन भी दो प्रकार का होना है, मेल कोन और फीमेल कोन, मेल एंड फीमेल कोन, फीमेल एंड मेल कोन, लीफ दो प्रकार का हो गया, स्केली प्लस फॉलिएज। ब्रांच लॉन्ग शूट एंड शॉर्ट शूट, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोन पे आते हैं, कोन की जिक्र करते हैं, कोन या फिर स्ट्रोबिलस। सो पाइनस इज मोनोसियस, पाइनस इज मोनोसियस प्लांट, मतलब मोनोसियस, वाइल साइकस इज डायोसियस। ये बता सकते हो मतलब क्या हुआ, ठीक है, पाइनस इज मोनोसियस, साइकस इज डायोसियस। साइकस हटाइए, यहाँ पे साइकस नहीं पढ़ रहे हम लोग, फिर भी जान ले, इसके बारे में भी नॉलेज रख ले, क्वेश्चन आता है यहाँ से। पाइनस इज मोनोसियस कहने का मतलब क्या है, एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल दोनों गैमेट बनेंगे। ओके, हाँ, बाईसेक्सुअल, बाईसेक्सुअल है ना, बाईसेक्सुअल प्लांट कहेंगे, फ्लावर नहीं कहेंगे, ठीक ना। सिंगल प्लांट produces, single plant produces sperm cells as well as ova cells, ठीक ना, एक ही body है, उस body पे male gamete producing organs और female gamete producing organ present रहेगा, है ना, लेकिन structure अलग अलग होना है, एक ही structure के अंदर नहीं, जैसे हम लोग flower देखते हैं ना, ओके, फ्लावर देखते हैं तो उस फ्लावर के अंदर एंथर भी प्रेजेंट रहता है और तुम्हारा पिस्टिल भी प्रेजेंट रहता है ना, गाइनोशियम भी रहता है, तो इस तरीके से नहीं होगा, इस तरीके से नहीं होना। यहाँ पाइनस के केस में क्या होगा, एक स्ट्रक्चर होगा जो सिर्फ और सिर्फ मेल गैमेट बनाएगा, दूसरा स्ट्रक्चर अलग ब्रांच पे थोड़े से हट के होगा, है ना, वो अपोजिट गैमेट बनाएगा, इस कंडीशन में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। प्रोड्यूसेस मेल कोन, प्रोड्यूसेस मेल कोन एंड फीमेल कोन, ठीक है, मेल कोन और फीमेल कोन भी बनाता है, फीमेल कोन इज फीमेल कोन, इट्स लीफी स्ट्रक्चर, लीफी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल या मेगा स्पोरोफिल, लीफी स्ट्रक्चर इज माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक ना, और यहाँ पे इसका कंप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, मेगा स्पोरोफिल। ठीक है, एंड द एग्रीगेशन ऑफ माइक्रो earlier, okay, for example, male gamete पहले बनता है, microsporophyll पहले mature होता है, इस condition को क्या कहेंगे,
ठीक ना, मेल मेल कोन प्रोड्यूसेस अर्लियर, मेल कोन प्रोड्यूस्ड एंड मैच्योर्स अर्लियर, इस कंडीशन को क्या कहेंगे हम लोग, एंड मैच्योर्स अर्लियर, ठीक है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज प्रोटैंड्री, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, कंडीशन इज कॉल्ड प्रोटैंड्री, प्रो मतलब पहले, एंड्री मतलब एंड्रोशियम, प्रोटैंड्री, ठीक, इसका जो नंबर होता है, ठीक ना, लगभग 100 के आसपास रहता है, जो मेल कोन होता है, मेल कोन का साइज छोटा होता है और इसका नंबर भी ज्यादा रहता है, ओके, प्रोड्यूस्ड इन लोअर ब्रांच, लोअर पोर्शन में रहता है ये, पंद्रह से लेके 140 कोन प्रोड्यूस कर सकता है स्पाइनस मेल का, ओके, हम सिंपली टॉकिंग अबाउट मेल, ठीक, यहाँ पे आते हैं, फीमेल में आते हैं, फीमेल कौन बाद में मैच्योर होना है, ठीक है, फॉर्म्स लेटरली, लेटर स्टेज, ठीक है, लेट बनता है, हटाइए, दो से छह कौन बनता है फीमेल का, ठीक है, प्रोड्यूस्ड ओवर हायर और अपर ब्रांच, अपर ब्रांच में बनता है, फॉर्म्ड ऑन लॉन्ग शूट, लॉन्ग शूट, लॉन्ग शूट पे बनेगा, और ये कहाँ बनता है, फॉर्म्ड ओवर शॉर्ट शूट, ठीक है, चलिए डिफरेंस हो गया, अगले क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पोर्शन देखेंगे इसका, हम लोग यहीं पे रहने दे रहा हूँ मैं, ठीक ना, पढ़ेंगे, डाउट होगा पूछेंगे, और हो सकता है अगले बार इसका रिप्रोडक्शन डील करने के बाद एनजीओस फॉर्म पढ़ाए या ना पढ़ाए, देखते हैं, समय रहेगा तो थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन को पढ़ना है अगले सेशन में, इस चीज को है ना, थोड़ा तो बताएंगे, डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन तो बताना ही पड़ेगा, ठीक ना, मोटा मोटी हम वो बता देंगे आप लोग को, ठीक है, कोई डाउट है, डाउट है आज के लेक्चर में, वुड से डाउट है, मैनोजेलिक वुड, पॉलीजेलिक वुड, हेट्रोजेलिक वुड, वहां से कोई डाउट है तो पूछेंगे, फिर से रिपीट करो, नहीं सुनाई दिया, आवाज तुम्हारा कट कट के आ रहा है, लिखो, राइट डाउन, एकदम नहीं, पता ही नहीं चल रहा है कुछ, लिखेंगे, टाइप करेंगे, चैट का ऑप्शन कहाँ गया, वही तो सर, चैट का ऑप्शन ही नहीं, चैट का ऑप्शन नहीं है, ओ लगता है हटा दिया, हाँ अभी अभी क्लियर आवाज सब बोलो जरा, इसमें भी रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वुड में, जैसा हम लोग देखते हैं कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर जब ट्रांसवर्सली कट करते हैं तो,
हाँ हाँ होना है, इसमें भी होना है रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक ना। इसके पास भी एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स ना, एंडोडर्मिस होना है, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, जाइलम, फ्लोएम होना है इसके अंदर, तो कैम्बियम भी प्रेजेंट है, ओके। पीठ भी होगा, पीठ तो हमने स्टीलर सिस्टम स्टार्ट करना शुरू कर दिया था। जिम्नस ए, टेरोफाइट से तो होगा, वो कंडीशन होना है इसके पास, ठीक ना। चलिए और कुछ तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। अगला क्लास होगा शायद डे आफ्टर टुमारो, ठीक ना। वहाँ पे जिम्नोस्पर्म खत्म होगा और एंजियोस्पर्म स्टार्ट करेंगे। एंजियोस्पर्म बहुत वास्ट है, सिर्फ एंजियोस्पर्म में हम रिप्रोडक्टिव पोर्शन डील करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम साइन ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, ओके देन, थैंक यू सर।